कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक डायरेक्टर के साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। बड़ी बात यह है कि ठगी करने वाले धोखेबाज व्यक्ति ने खुद को आधार पूनावाला बताकर इसे अंजाम दिया है। इस घटना को लेकर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि धोखेबाज व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर सतीश देशपांडे को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसमें उसने खुद को आधार पूनावाला बताया और सतीश पांडे से 1,01,1,554 रुपए ठग लिए। बता दें कि सतीश कंपनी के टॉप अधिकारियों में शामिल है।